पहले भी कहा है और आपके माध्यम से आज भी कह रहा हूं कि अगर सिंचाई परियोजना के लिए हमें आत्मदाह भी करने की जरूरत पड़ेगी तो लोकसभा में मैं करने से चूकूंगा नहीं। सर, सुशील जी नरेंद्र मोदी जी के काम पर वोट मांग रहे हैं, आप किस काम पर वोट मांग रहे हैं? देखिए, हम तो उनके 18 साल जो काम हुए हैं ना, उनके 18 साल जो काम हैं, हम उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं कि आपने 18 साल दिया, 18 साल के पहले भी कई साल दिया, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आज़ादी के बाद से ही आप उनको टाइम दिए हुए हैं, हम उस नाम पर वोट मांग रहे हैं। कल सम्राट चौधरी जी ने कहा, चुनाव जीतने के बाद पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो हमें मतदाता जो हमें चुनाव जिताएंगे, सबसे पहले उन्हें प्यार से गले लगाएंगे और गले लगा कर उनके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसे भाईचारे का संदेश देने का। ये रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छी है और क्षेत्र से सबसे बड़ी बातें उभर करके जो सामने आ रही है, ये जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं और विगत लगातार कई वर्षों से उन पर एक बहुत ही भारी आक्रोश है आम लोगों का, न तो किन्हीं से मिलना न जुलना, व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ करके रहने का, तमाम चीज़ें हैं जो बाधा चुनाव के दौरान लगातार जो करते आए उन बाधों पे खड़े नहीं उतरना, जब चुनाव आए तो सिंचाई की बात करना, शिक्षा की बात करना, स्वास्थ्य सुधारने की बात करना, ये सिर्फ आम लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव में जब आते हैं तो ये घोषणाएँ करते हैं, धरातल पर कोई कुछ उतर नहीं पाता है। औरंगाबाद में उत्तर कोयल नहर की समस्या काफ़ी दिनों से चली आ रही है, आपके स्तर पर क्या निदान की उम्मीद? देखिए, मैंने पहले भी कहा उत्तर कोयल नहर को मैं कोई चुनावी मुद्दा नहीं बनाऊँगा, लेकिन उत्तर कोयल नहर औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि और कई विधानसभा क्षेत्र, कई लोकसभा क्षेत्र के लिए वो अति महत्वपूर्ण योजना है और इस पर हम चुनाव में विशेष कुछ नहीं कहेंगे, ये जरूर हम कहेंगे कि उत्तर कोयल नहर की समाधान कैसे कर पाएंगे हम, हमें अगर औरंगाबाद की महान जनता आशीर्वाद देती है तो निश्चित तौर पर हम लोकसभा में उस कार्य के लिए, उस कार्य को कराने के लिए, हमने पहले भी कहा है और आपके माध्यम से आज भी कह रहा हूँ कि अगर सिंचाई परियोजना के लिए हमें आत्मदाह भी करने की ज़रूरत पड़ेगी तो लोकसभा में मैं करने से चूकूंगा नहीं। सर, सुशील जी नरेंद्र मोदी जी के काम पर वोट मांग रहे हैं, आप किस काम पर वोट मांग रहे हैं? देखिए, हम तो उनके 18 साल जो काम हुए हैं ना, उनके 18 साल जो काम हैं, हम उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं कि आपने 18 साल दिया, 18 साल के पहले भी कई साल दिया, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आज़ादी के बाद से ही आप उनको टाइम दिए हुए हैं, हम उस नाम पर वोट मांग रहे हैं। कल सम्राट चौधरी जी ने कहा कि जो अपराधी होंगे वो जेल जाएंगे, मोदी की गारंटी है, बिहार में लालू जी पंजीकृत अपराधी हैं। देखिए, हम तो कहेंगे कि इस मुद्दे को पंजीकृत जो अपराधी रहते हैं, ये काम किसी व्यक्ति का जस्टिस करना नहीं है, ये काम है न्यायालय का जस्टिस करना। और आप ये भी देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ जितने बड़े बड़े चाहे तो घोटालेबाज हों या जो भी हों, जब वहाँ जाते हैं तो वाशिंग पाउडर निर्मा है ना, आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? नहीं कहना है, बाकी सब बिहार ही नहीं देश की जनता जान रही है। क्या एजेंडा लेके घूम रहे हैं सर, एजेंडा क्या है? हमने तो एजेंडा पहले ही बताया, हमारी सबसे प्रथम प्राथमिकता होगी शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, युवाओं को हम कैसे रोजगार से जोड़ें, युवाओं को हम पलायन से रोकें और भाईचारे का एक माहौल रहे, समुचित सामूहिक विकास हो, जनहित का विकास हो, व्यक्ति विशेष का विकास नहीं। आपके एक अपोजिट कैंडिडेट ने शिकायत की आयोग से कि नामांकन में छूटी संबंधी। देखिए, इस शिकायत पर करने वाले लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, वो उनका स्वतंत्र अधिकार है, ठीक है ना, लेकिन ये सब बातें जो है वो अपना विभाग देखती है, चुनाव आयोग के जो रिटर्निंग अफसर हैं वो देखेंगे,
अगर अगर वैध है तभी ना हमारा लोग साजिश के आरोप लगाते आ रहे हैं, और ऐसा कैसे संभव हो गया 21 प्रत्याशियों में 12 की नामांकन रद्द कर दी गई? नहीं, जो प्रक्रिया के तहत जो अथी होती है उसके तहत हुई, और बाकी क्या लगा रहे हैं वो सब जग जाहिर है, और जिनका नॉमिनेशन रद्द हुआ हमारी उनके प्रति भी सहानुभूति है, क्योंकि वो बहुत दिन से सोचे हुए होंगे कि हम इस तरह से नॉमिनेशन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, और अचानक उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया तो मैं समझता हूं कि उनके दिल पर गहरा आघात पहुंचा होगा। इस आघात में हम उनके साथ हैं। इस चुनाव में क्या लगता है आपको? इस चुनाव में हमें लगता है कि हमें औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की महान मतदाताओं का अपार समर्थन, सभी वर्ग के लोगों का, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, सभी वर्ग के लोगों का हमें अपार समर्थन मिल रहा है, और मुझे लगता है कि इस बार हमारी नहीं, हम सब की जीत सुनिश्चित होगी। चुनाव जीतने के बाद पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो हमें मतदाता जो हमें चुनाव जिताएंगे, सबसे पहले उन्हें प्यार से हम गले लगाएंगे, और गले लगा कर उनके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी भाईचारे का संदेश देने का हम काम। विपक्ष 400 सीट पार कह रहा है, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, उस पर हम पहले भी कह चुके हैं कि आखिर 400 पार क्यों? ये 400 पार इसलिए करना चाहते हैं कि ताकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को हम तार तार कर सकें, तोड़ सकें, इसके लिए वो 400 पार की बात करते हैं। मतलब ये साजिश रची जा रही है? निश्चित तौर पर आरक्षण समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। 17 साल बनाम 17 महीना क्या रंग लाएगी आप, कुछ उस पर बोले? नहीं, बहुत बढ़िया रंग लाएगी ये बिहार में। युवा तुर्क तेजस्वी यादव जी, 17 महीना आप समझ सकते थे? 17 महीना की बात तो मैं बता रहा हूँ कि वो जब चुनाव में आए थे 2020 में विधानसभा के, तो उन्होंने जगह जगह पे घोषणा किया था कि अगर मैं सत्ता में आया तो पहली कलम से 10 लाख रोजगार दूंगा। ठीक है, सत्ता में वो नहीं आए, वंचित रह गए। लेकिन पुनः जब 17 महीने बाद, 15 महीने बाद वो सत्ता में आए, उसी सत्ता में आए जिनके विरुद्ध उन्होंने चुनाव लड़ा था, गठबंधन की सरकार बनी, तो जो उनका वादा था पहले से किया हुआ, उस वादे को उस सरकार में आने के बाद 17 महीनों में तकरीबन 5.5 से 6 लाख लोगों को रोजगार सृजित कर देने का काम किया, और निश्चित तौर पर इसमें युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग, आप जानते हैं कि बिहार ही नहीं देश भी युवा प्रधान देश है, और इसमें युवाओं की अहम भूमिका रहती है। युवा तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ने को तत्पर है, और निश्चित तौर पर ये आगे बढ़ेगा। आप जेडीयू के जिला अध्यक्ष थे, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि अचानक आपको? देखिए, कोई परिस्थिति अब कोई परिस्थिति वगैरह इसमें नहीं आती है। ठीक है ना, राजनीति में इसका कोई परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है, और ये सब सवाले हम लोग तो छोटे लीडर हैं। ठीक है ना, और हम इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। देश, दुनिया और औरंगाबाद सब कुछ देख रही है, कौन कैसे कहाँ कब क्या हो जा रहा है, तो ये सब देख रही है। इस पर विशेष हमें कुछ नहीं करना है। अभी हम आपके माध्यम से यही औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की महान जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि एक नंबर पर लालटेन छाप, एक बार हमें आप अपना सेवा करने का अवसर प्रदान करें। दो नंबर पर है सर।